हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे एक पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई है, उनका नाम है एसके पोल्ट्री जी। उन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट किया है, क्या डबल एफजी को राइस पॉलिश प्लस गेहूं से ग्रोथ होगा सर? इनका कहने का मतलब है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, डबल एफजी हो या फिर देसी की कोई भी ब्रीड क्यों ना हो, आरआईआर हो, डीपी क्रॉस हो, ओरिजिनल डीपी हो, सुवर्णधारा हो, कोई भी ब्रीड क्यों ना हो, अगर हम उसको राइस पॉलिश है ना, जिसको अगर हम हमारे लैंग्वेज में अगर बोले तो कुकुस है ना, गेहूं राइस हाइड्रोपोनिक में इस तरह के कुछ बाहरी सोर्स के द्वारा अगर फीडिंग कराते हैं तो क्या उसका वजन बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके रिलेटेड फुल डिटेल कि वाकई में इसका वजन बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है, आपको ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर देना चाहिए तो कौन से टर्म्स एंड कंडीशन के साथ देना चाहिए, आपका मेन पर्पज उसके पीछे क्या होना चाहिए। तो इस रिलेटेड आपको पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखना होगा, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक का इंट्रो हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ईबुक देख रहे हो, अगर इस ईबुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ईबुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रूडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपये है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको ये बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, खाने वाली कोई भी चीज जो मुर्गी खा सकती है उसको अगर आप देते हो तो उसका 100% वजन बढ़ता ही बढ़ता है, बशर्ते उसको टाइम ज्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आप उसको जो भी फीड दे रहे हो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा फीड में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा रहेगी उतनी जल्दी आपकी मुर्गी कम दिनों में वजन गेन करेगी, और जितनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू एक फीड में कम रहेगी उतनी आपकी मुर्गी वो फीड ज्यादा खा के वजन कम देगी। तो एक पूरा का पूरा बेसिक फंडा एक जगह पर आकर रुकता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके फीड में कितनी है। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो जैसे मान के चलिए एक बड़ा सा जो ग्लास होता है पानी पीने का, उस ग्लास में अगर आप दही डलवा के अगर दही पूरा का पूरा पीते हो तो आपका पूरा का पूरा पेट भर जाता है, लेकिन वही अगर आप उसी दही के रिप्लेसमेंट में अगर 2 से लेकर 3 ग्लास भी पानी पी लेते हो फिर भी आपका पेट नहीं भरता। इसका क्या मतलब होता है कि दही में न्यूट्रिशनल वैल्यू एज कम्पेयर टू पानी से बहुत ज़्यादा होती है। इसके वजह से हमारी बॉडी को ये पता चल जाता है कि अभी हमें और ज़्यादा फीड की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ दही में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होने की वजह से एज कम्पेयर टू पानी से जो भी एक रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को वाइटामिन और मिनरल्स की होती है वो दही से ज़्यादा मिलती है। इसी कारण दही का 1 ग्लास पीने से ही हमारा पेट भर जाता है, वही 2 से लेकर 3 ग्लास पानी पीने के बावजूद भी हमारा पेट नहीं भरता। ये सबका सब फंडा काम करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके फीड में कितना है। वही मैं अगर आपको बात करूँ तो जो भी पोल्ट्री का फीड होता है वो होता है 30 रुपये किलो का, तो उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, कॉक्सोडिस पाउडर, प्री मिक्सेस, मेडिसिन पाउडर, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रमाण में उसमें कॉन्सेंट्रेशन के फीड फार्मूला मिलाया जाता है, जिसके वजह से एक मुर्गी को प्रॉपर तरीके का एक फीड फार्मूला या फिर एक प्रॉपर तरीके का किलो कैलोरीज और एनर्जी प्रोवाइडेड की जाती है, जिस कारण वो कम फीड खा के ज़्यादा वजन गेन करती है। वही अगर मैं 30 रुपये के पोल्ट्री फीड के कंपेयर में जो भी अगर आपको राइस पॉलिश या फिर एक थोड़ा सा सेकंड हैंड क्वालिटी वाला अगर गेहूँ आपको 10 रुपये किलो से भी मिल रहा है, तो तकरीबन मुर्गी दाने के रेडीमेड फीड के 1 किलो के दाने की कीमत में आपको 3 किलो दाना राइस पॉलिश का मिल जाएगा, जो कि आपको 10 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। लेकिन जो भी राइस पॉलिश होता है या फिर गेहूं होता है या फिर जो चावल होता है उनमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ही प्रोटीन या फिर मिनरल्स होते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा मल्टीवर्सल फॉर्मूले के जैसे वहाँ पर वाइटामिन और मिनरल पूरी तरह से मिक्सअप नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो भी आपके मुर्गी के बॉडी को जो रिक्वायरमेंट चाहिए वह एक तरीके का दाना खा के नहीं मिल पाते। इसके बाद अगर आपको दूसरे वे में अगर बताऊं तो ये बात इम्पैक्ट करती है कि आपके मुर्गियों को राइस चावल, राइस पॉलिश या फिर गेहूं देना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या आप कमर्शियल तौर पर फार्मिंग करना चाहते हो या फिर फ्रीरेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, दोनों भी चीज़ें आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, कमर्शियल तौर पर हमारा मेन पर्पज क्या होता है, जो भी डीपी क्रॉस की या फिर डबल एफजी की फार्मिंग करते हैं तो उस हिसाब से उसको 1 किलो का वेट गेन करने के लिए कम या ज़्यादा दिन लगते हैं, लेकिन वो बात होगी अलग की। लेकिन कमर्शियल तौर पर आपको 1 किलो का मुर्गी का वजन गेन करके अगर उसको बेचना है तो आपका एक मेन मोटो होता है कि ऑल इन ऑल आउट। एक समय में बच्चा आएगा, जल्दी से जल्दी खाना खाएगा और जल्दी से जल्दी हम उसको बेच देंगे। लेकिन ऐसे समय में अगर आप कमर्शियल तौर के समय अगर आप उसको राइस पॉलिश, चावल, गेहूं वगैरह दे रहे हो तो आपका जो भी होता है टाइम स्पेंड बढ़ जाता है,
ऊपर से अगर आप रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करते समय भी आपका टाइम स्पेंड तो बढ़ जाएगा लेकिन प्रॉफिट आपको उतना ही मिलेगा। इसी वजह से रेंट में आपका पोल्ट्री का जो भी है प्रॉफिट ज्यादा जाएगा, जिस वजह से आप प्रॉफिट कम कमा सकते हो। वही अगर मैं फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करने की अगर बात करूँ तो वहाँ पर आपको फीड का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम आता है। वहाँ पर आपका मेन पर्पज यही रहता है कि हमारी मुर्गी कम से कम रेडीमेड फीड खा के ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फीड होता है वो बाहर के फ्री रेंज सिस्टम से चुने, जिससे कि आपकी फीड कॉस्ट कम आ जाए। अभी और से एक डिफरेंस आपको बता देता हूँ। मान के चलिए जो भी है डीपी क्रॉस की आप 1000 की बैच रेगुलर बेसिस पे डालते हो तो जो भी होता है उसके 75 या फिर 80 दिनों में आपका मुर्गा 1 किलो का बन जाता है, तो उसको माल सेल आउट करने तक के पूरा का पूरा 3 महीने का एक बैच के पीछे आपका चला जाता है। तो मैक्सिमम आप चार बैचेस निकाल सकते हो 1 साल के बीच में। तो 140 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट वाली जो आपकी मुर्गी होती है रेडीमेड फीड खा के 140 रुपये खर्चा आ जाता है। छोटा सा इसमें बता देता हूँ, 3.5 किलो दाने की कीमत 30 रुपये के हिसाब से आपको 105 रुपये लग जाएंगे, 25 रुपये का बच्चा 130 रुपये, और 10 रुपये जो खर्चा है वो लाइट बिल इलेक्ट्रिक बिल इस तरीके का ऊपर का जो खर्चा है वो 10 रुपये आ जाएगा। मतलब 140 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 1 किलो के पीछे रहेगी। तो अगर आप उसको होलसेल में अगर 160 में बेचते हो तो 1000 के बैच के पीछे आप मैक्सिमम 20,000 रुपये कमा सकते हो अगर आपको रेगुलर में ज्यादा बैचेस निकालना है तो। तो ऐसे में 4 बैचेस के पीछे साल भर में आप मैक्सिमम 80,000 या फिर मैक्सिमम 1,00,000 रुपए मुनाफा कमा सकते हो। वही अगर मैं अभी फ्री रेंज सिस्टम की अगर बात करूं तो 25 रुपए में अगर आपने चिक्स लिया और स्टार्टिंग में 1 किलो दाना उस मुर्गी को दिया जब तक के वो 300 400 500 ग्राम तक के वजन गेन नहीं कर लेता, उसके बाद अगर आप उन मुर्गियों को बाहर में छोड़ते हो तो ऐसे समय में आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट 60 रुपये से लेकर 70 रुपये के आसपास में होती है। वही 60 रुपये से लेकर 70 रुपये के आसपास का जो आपका मुर्गा होता है वो बाहर के फ्री रेंज सिस्टम में आने वाले 5 से लेकर 6 महीने में बड़े आरामी से 900 से लेकर 1 किलो का बन जाता है। तो जब ये फ्री रेंज सिस्टम में आपकी मुर्गी की प्रोडक्शन कॉस्ट 1 किलो की 60 रुपये के आसपास में होती है, अगर आप उसको 160 से लेकर 170 में भी बेचते हो तो ऐसे समय में भी आपको एक मुर्गी के 1 किलो के पीछे 100 रुपये प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो 1000 के बैच के पीछे आप आरामी से 1,00,000 रुपये कमा सकते हो वो भी 6 महीनों के भीतर। वैसे तरह से 12 महीने में आपकी 2 बैचेस फ्री रेंज सिस्टम में निकलेगी जो कि आपका मुनाफा होगा 1,00,000 प्लस 1,00,000 दो बैचेस के 6 महीने में, तो 2,00,000 रुपये आप मुनाफा कमा सकते हो जो कि एक कमर्शियल तौर पर जो आप 4 बैचेस निकालते हो उससे 2 गुना है। 4 बैचेस आप कमर्शियल तौर पर निकालने के बावजूद आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हो, वही फ्री रेंज सिस्टम में आपकी फीड का कॉस्ट काफ़ी कम होने की वजह से सिर्फ 2 ही बैचेस पे आप तकरीबन 2,00,000 रुपये कमा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर एक मुर्गी को राइस पॉलिश गेहूँ या फिर चावल दे सकते हो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऑल इन ऑल आउट जल्दी से माल बढ़ा करके जल्दी से बेचने का है तो ऐसे समय में आप किसी भी तरह से उसको गेहूँ चावल राइस पॉलिश हाइड्रोपोनिक मैच ना दे। लेकिन अगर आपका मेन पर्पज आपके पास जगह है आप मुर्गियों को फ्री रेंज सिस्टम में छोड़ सकते हो तो ऐसे में आपको मैं पहले बता दिया कि खाने वाली ऐसी कोई भी चीज़ मुर्गी को दो, थोड़ा सा वजन धीरे गेन करेगी लेकिन मुर्गी का वजन जरूर बढ़ेगा।